हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक शर्मा सर, और आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक नंबर्स था उसका पार्ट टू आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे पार्ट टू में, उसको समझने से पहले एक बार पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा, आइए उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट वन में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा ये फोर टॉपिक्स हमने कवर किया था। ठीक है, जिसमें हमने देखा 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स के बारे में जाना कि ये मतलब कब 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर बनते हैं, और इन 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर्स का नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि क्लास 3 में हमने सिर्फ 4 डिजिट नंबर तक का ही नंबर नेम्स लिखना सीखा था। उसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू के बारे में जाने, और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म भी सीखे थे, एक्सपेंडेड फॉर्म के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म भी सीखे थे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हमने जो भी सीखा है उसके उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो। साथ ही साथ ये जो टॉपिक हमारा है नंबर 5, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर्स को, है ना, अबैकस को यूज करके। अबैकस क्या होता है ये चीज़ हम लोग समझेंगे, है ना, अबैकस को यूज करके कैसे हम लोग किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये सीखेंगे। फिर सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर क्या होता है, ये मेनली ये दो टॉपिक करना है हमें, है ना, और इनसे रिलेटेड कुछ वर्क भी करेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। 7th नंबर का जो टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ 5 डिजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट पार्ट रखा है ना, तो नहीं तो हम लोग इसको भी इसी में करते हैं, बट ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको सेपरेट पार्ट में रखा है। तो आइए शुरू करते हैं 2nd पार्ट हम लोग का जो है, उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली समझ लेते हैं कि 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर क्या है, कैसे 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर कैसे बनता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि जो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो है 4 times 9, मतलब 9999। अब इसका नेक्स्ट नंबर अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते थे, 1+ करते थे, और जब 1+ करते थे तो क्या हम लोग को मिलता था, ये एक 5 डिजिट का नंबर हमें मिला, और ये जो 5 डिजिट नंबर है फर्स्ट हमारा 5 डिजिट नंबर मिला है ना, तो इसलिए हम लोग इसको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर भी बोलते थे। अब इसको रीड क्या करेंगे, तो अब देखिए ये हमारा अगर हम इसको ग्रुप में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा वंस, और ये हो जाएगा 1000। तो थाउजेंड्स में 9 है तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे 9999। अब इसको अगर आप ग्रुप में डिवाइड करिएगा तो आपका वंस में 0 है और थाउजेंड्स में 10 आ गया, तो इसको हम लोग 10,000 पढ़ सकते हैं, है ना, ईजी है, क्योंकि 10,000 तो थाउजेंड्स ग्रुप में 2 डिजिट्स होते हैं, तो हम लोग इसको 10,000 रीड करेंगे। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, 5 times 9। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, अगर इसको रीड करना हो तो ये हमारा हो गया वंस, और ये हो गया थाउजेंड्स, तो ये हो जाएगा 99,999 हो जाएगा, है ना, सिंपल है। जैसे हमने लगभग 4 डिजिट नंबर को रीड कर रहे थे, 5 डिजिट नंबर भी लगभग उसी तरह रीड कर रहे हैं, तो ये इजी है। अब इसका नेक्स्ट नंबर अगर हमको फाइंड करना हो तो इसमें +1 कर देते हैं, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा, ये जो हमारा नंबर मिला 6 डिजिट नंबर मिला। तो अब अगर ये जो नंबर हमें मिला है 6 डिजिट नंबर, इसको अगर आप रीड करने का कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो हमारा वंस पीरियड हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा थाउजेंड्स पीरियड है इसमें 3 डिजिट्स हो गए। तो क्या हम लोग थाउजेंड्स पीरियड में 3 डिजिट्स इंक्लूड करते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग 3 डिजिट्स इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिर इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, है ना, अगर आप इसको 3 डिजिट्स इंक्लूड कर लेते हैं तो आप इसको रीड करेंगे 100,000, बट इंडियन सिस्टम में जब हम लोग पढ़ते हैं तो थाउजेंड्स प्लेस में थाउजेंड्स पीरियड में 3 डिजिट्स नहीं होते हैं, तो फिर हम इसको क्या रीड करें। तो आपको बस ये जो हमको ये जो हमारा एक बन रहा है, मतलब 3 डिजिट्स नहीं यूज जब करेंगे तो हम कौन कौन सा डिजिट यूज करेंगे इसमें, तो सिर्फ ये 2 डिजिट्स यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला, सिर्फ यही 2 डिजिट हमारा थाउजेंड्स ग्रुप कहलाएगा। तो अगर अब हमको ये जो एक डिजिट बच गया सेपरेट 6th डिजिट फ्रॉम राइट, तो इसका अगर हमको पता चल जाए कौन से पीरियड है तो फिर हम इसको आसानी से रीड कर सकते हैं। तो हमें आपको मैं बता दूं कि ये लाख पीरियड होता है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या रीड करेंगे, 1 लाख। ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से समझा, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। और हमने क्या समझा था कि कैसे हम किसी नंबर को रीड करते हैं, तो बेसिकली आप जब 6 डिजिट नंबर के फर्स्ट
अब ये भी आप देखिए तो फर्स्ट सिक्स डिजिट नंबर है, तो ये स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर हुआ, तो इसको जब आपने रीड करना सीख गया तो आप कोई भी सिक्स डिजिट नंबर को रीड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं फिर से, 152906, ये एक सिक्स डिजिट नंबर है, हम लोग को इसे रीड करना है। क्या करेंगे, इसको पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से तीन डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे, फिर दो डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे, और ये जो हमारा होता है वंस होता है पीरियड, ये हो गया थाउजेंड्स, और ये हो गया लाख। तो क्या रीड करेंगे हम लोग, अब देखिए ये जो हमारा लाख वाला पीरियड उसमें वन है, तो इसको हम लोग रीड करेंगे वन लाख। थाउजेंड्स में फाइव टू है तो फिफ्टी टू हो जाएगा, फाइव टू फिफ्टी टू पढ़ते हैं हम लोग, तो फिफ्टी टू लाख। फिफ्टी टू लाख एंड वंस में है 906, तो 906। इस तरह से हम लोग इस नंबर को रीड कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा प्लेस वैल्यू के बारे में भी चर्चा किए, तो एक बार प्लेस वैल्यू को भी देख लेते हैं। तो जब आप एक्चुअली में जब नंबर रीड करना समझ जाएंगे ना, तो प्लेस वैल्यू बहुत ही इजी है। कैसे इजी है, तो आप देखिए यही नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल, 152906। तो आप ये तो जानते हैं कि सबसे राइट वाला डिजिट होता है वंस, उससे लेफ्ट वाला होता है टेंस, उससे लेफ्ट वाला होता है हंड्रेड, फिर उससे लेफ्ट में थाउजेंड्स होता है। यहाँ तक तो आप पहले से ही जानते थे। अब ये जो टेंथ के पहले वाला डिजिट है वो जाएगा टेन थाउजेंड्स, क्योंकि थाउजेंड्स में हमने दो डिजिट लिया है, तो एक डिजिट अगर थाउजेंड है तो दूसरा टेन थाउजेंड होगा। और जो अब ये दो ही डिजिट ले सकते हैं, तो तीसरा उसके बाद का जो हमारा डिजिट है वो हो जाएगा लाख हमारा, है ना। ये याद रखना है आपको, ये लाख पीरियड हो गया, ये दोनों को मिलाकर थाउजेंड्स पीरियड हो गया, और ये तीन को मिलाकर हो जाएगा वंस पीरियड। अब किसी भी डिजिट का अगर हम प्लेस वैल्यू जानना चाहें तो आराम से जान सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए फाइव है, इस फाइव का प्लेस वैल्यू जानना है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव क्या हो जाएगा, तो देखिए फाइव कौन से प्लेस पे, टेन थाउजेंड्स प्लेस पे है, तो फाइव इंटू टेन मतलब क्या करना है, जो प्लेस है उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 में 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50,000, ठीक है ना। और आप ये भी देख सकते हैं, ये जो 5 है हमारा, इसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतना जीरो हमें लगा देना है, वही हो जाएगा उसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, और एक एक्सपेंडेड फॉर्म को भी पढ़े थे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसको अभी समझेंगे, है ना। तो वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें करना क्या होता है, तो सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू ही लिखना होता है, ओके। अभी हम लोग थोड़ी देर में प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग ये जो हमारा आज का जो पार्ट है, उसका जो पहला टॉपिक है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक क्या है कि रिप्रेजेंटिंग फाइव डिजिट एंड सिक्स डिजिट नंबर यूजिंग एबेकस। ये चीज को हमें समझना है कि एबेकस क्या होता है, ठीक है। एबेकस से आप फैमिलियर हैं ऑलरेडी, आपने क्लास थ्री में एबेकस पढ़ा है। तो एबेकस है क्या, तो आप देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक ओके। तो एबेकस क्या होता है, तो एबेकस एक हार्डवेयर टाइप का होता है, मतलब एक डिवाइस होता है जिसमें जो समझिए लकड़ी का बना हुआ है, और इसके हर एक बॉक्स में मेंशन होता है उसका प्लेस। जैसे सपोज कीजिए ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ये हंड्रेड्स प्लेस हो गया, एक मिनट यहाँ पे नहीं रहेगा, चलिए अभी इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इस बॉक्स में हमें नंबर लिखना है, ठीक है। तो एबेकस एक लकड़ी का समझ लीजिए बॉक्स है इस तरह का, और इसके ऊपर कुछ ऐसे नुकीले नुकीले निकले रहते हैं, ठीक है, तार जैसा या रॉड आपने देखा होगा, लोहे का रॉड होता है, उस तरह का कुछ निकला रहता है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है, बॉक्स के नीचे उसका प्लेस मेंशन रहता है। जैसे ये सबसे राइट साइड वाला वंस होता है, उसके बगल में टेंस, उसके बगल में हंड्रेड, उसके बगल में थाउजेंड, फिर टेन थाउजेंड, और फिर लाख, प्लेस मेंशन है।
इसको ऊपर भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ लिख सकते हैं आप, जहां आपको सुविधा लगे। ठीक है, कहीं भी आप लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, जहां आपके पास प्रॉपर सुविधा हो। और अब जैसे सपोज कीजिए मैं किसी नंबर को यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, 6 डिजिट नंबर 290631, 6 डिजिट नंबर है। इसी नंबर को हमें इस एबेकस में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लेस मेंशन है उस प्लेस के अकॉर्डिंग इस सभी डिजिट्स को इसमें फिल कर देंगे। तो जैसे ये 1 है, 1 को हम यहाँ पे लिख दें, 1 प्लेस पे है, 36029। ठीक है, प्लेसेस के अकॉर्डिंग, अच्छा 92 हो गया, 29 है। तो जैसा यहाँ इस नंबर का जो जो प्लेस है उसी प्लेस को मैंने फिल कर दिया इस बॉक्स में। अब क्या करना है कि हमारे पास एक गोल गोल बीड्स होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बॉल की तरह ही होता है लेकिन उससे छोटा होता है, और उसमें होल होता है ताकि आप इसको इसमें ऐसे डाल सकें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बीड्स डालना है ना, उसको बीड्स कहते हैं हम लोग। उस बीड्स कितना डालना है, अभी डिपेंड करता है कि उस प्लेस का नंबर कितना है। जैसे इसका 1 है तो हम इसमें 1 बीड्स डालेंगे, हम लोग थोड़ा कलरफुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने येलो कलर का बीड्स डाल दिया, 1 है तो हम क्या करेंगे, 1 बीट्स डालेंगे। अब एक दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन। यहाँ पे हमारा 3 है, टेंस प्लेस पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 बीट्स ऐसे डाल देंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करेंगे ताकि थोड़ा विजिबिलिटी अच्छा बना रहे। उसके बाद अब 100 प्लेस पे 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 बीट्स ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे। अब हमारे पास एक्चुअल में बीट्स नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एक फिगर बना रहे हैं। ठीक है, हो गया। अब वहां 0 है, तो अगर 0 है तो हम क्या करेंगे फिर, तो 0 है तो वहां पे हम कुछ नहीं डालेंगे, उस खाली रहेगा। अब 9 है यहाँ पे, तो 9 टाइम्स, ठीक है, स्पेस यहाँ थोड़ा कम था बट 9 आपको बीट्स उसमें डालने हैं। अब यहाँ पे 2 है तो 2 बीट्स हो गया। यही करना है, बस आपको देखना है कि कौन सा डिजिट है और उतने ही उसमें बीट्स डाल देने हैं। तो इस तरह से ये जो हम हमारा ये जो बना है ये अबैकस कहलाएगा। ठीक है, और ये अबैकस अब किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 290,631 है ना। आपको इस यहाँ पे क्या किया गया कि आपके पास नंबर था, आपने उसको उसमें बीट्स डाले। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी बीट्स डाला हुआ आपको एबैकस दिया जाए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 2 नंबर में एक एग्जांपल लेते हैं, ऑलरेडी एक बीट्स यहाँ बना हुआ है, सपोज कीजिए इसमें 1 है, यहां 3 है, टू इसमें मान लेते हैं ही नहीं, और इसमें 4 है। ऐसे आपको बीट्स डले हुए मिले हैं, है ना। अब आपको इसको देखकर आपको बताना कि नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है ये हमारा प्लेस है वंस, ये प्लेस है टेंस, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है, ये 10,000, क्योंकि 5 ही है इसमें, 5 ही बॉक्सेस हैं और 5 ही स्पाइक्स हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को लोग स्पाइक एबैकस बोलते हैं। अब इसको देखकर आपको नंबर बताना है कि कौन सा नंबर प्रेजेंट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि बीट्स को काउंट करेंगे और उसके नीचे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे 4 है तो आपने 4 लिख दिया, यहाँ पे है ही नहीं तो 0 लिख दिया आपने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और इसमें 1 है। अब आपका ये आपने फिल कर दिया, अब आप आसानी से इसी नंबर को लिख सकते हैं, 1, 3, 2, 0, 4। अब आप अगर रीड करना हो तो रीड भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 13,204। रीड करना हमने सीखा है, ओके, तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 13,206। तो यही है अबैकस। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो आपको नंबर लिखा रहेगा, आपको उसमें बीट्स डालने हैं,
या तो बीट्स ऑलरेडी उसमें होंगे, आपको उसको देखकर नंबर बताना है कि वो कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी अब तक हमने सीखा है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये देखिए, राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच, न्यूमरल्स लिखना है, ठीक है ना, हम इसमें न्यूमरल्स लिखेंगे। तो आप देखिए, 10,000 है, थाउजेंड्स है, हंड्रेड्स है, टेंस है, वंस है। तो आप क्या करेंगे, सबसे अच्छा है कि हम लोग पहले प्लेसेस को मार्क कर लेंगे, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्लेस मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो डिजिट्स हैं, जैसे फाइव, टेन थाउजेंड्स हैं तो टेन थाउजेंड्स के नीचे लिख दिए, थाउजेंड्स, टू थाउजेंड्स है तो थाउजेंड्स के नीचे टू लिख दिए, एट हंड्रेड्स है तो हंड्रेड्स के नीचे एट लिख दिए। मतलब आपको प्लेस के अकॉर्डिंग उन डिजिट्स को लिखते जाना है, और वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यही हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप इसको भी बना लेंगे, बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे एक लाख एक्स्ट्रा आ गया है, तो आप लाख वाला भी मार्क कर लेंगे और उसी के नीचे डिजिट्स को लिखते जाएंगे, आपका नंबर बन जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल था। अब ये क्वेश्चन नंबर टू, ये तो और सिंपल है, हमें क्या करना है, 10,000 सी है, आप चाहे तो नंबर को लिख ले यहाँ पे, 3, 7, 4, 2, 6, इसको आप रफ में कर सकते हैं, रफ में आप ऐसे लिख लेंगे, इसके पहले मार्क कर लेंगे आप लोग। ऐसा करना जरूरी है ना, कई बार आप क्या करते हैं कि आप लाइन से लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे 3 आपने रख दिया, यहाँ पे 7 है ही, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 है, तो ये सिंपल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी चांसेस है कि गलती हो जाती है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, मतलब गलती ना हो उसके लिए, हम लोग एक बार ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना। शुरू शुरू में थोड़ा हमें रफर करना पड़ता है, जब तक हम उसमें काफ़ी हमको अनुभव ना हो जाए तो थोड़ा रफर करते रहना चाहिए ताकि गलती ना हो। अब आप देखिए, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स में 3 है तो 3 लिख ही देना है, यहाँ पे हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स के नीचे 4 है तो 4 फिल कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही काम आप इसमें करेंगे, मार्क कर लेंगे नंबर्स को लिख के और फिर उसके अकॉर्डिंग फिल कर देंगे, तो ये भी आपका गलती नहीं होगा। अब यहाँ पे है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है समझते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं, 1, 5, 2, 1, 6, 7, ये एक 6 डिजिट नंबर है, तो हमें क्या करना है कि पहले प्लेसेस को लिखना है, जैसे हमने लिखा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स एंड लाख लिख लिया आपने। अब इसको थोड़ा हम लोग एक चार्ट जैसा बना लेंगे, चार्ट जैसा बनाने का मतलब है कि ऐसा उसको बॉक्स बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, अब यहाँ पे हम लोग दो नंबर लेते हैं ना, एक ये लेनी है और एक और लेते हैं, 5, 9, 1, 6, 2, 3, ये भी एक नंबर ले लेते हैं। अब हमारा जो पहला नंबर है, तो यहाँ पे आप 1 मेंशन कर दें और इस सभी डिजिट्स को इसके प्लेस के अकॉर्डिंग फिल करते जाइए, 7 वंस प्लेस पे है, 6, 1, 2, 5, हो गया पहला कंप्लीट, बस चार्ट बनाने में जो आपको समय लगे। अभी सेकेंड में देखिए, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 9, 5, अब ये लेफ्ट साइड आप ब्लैंक रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट वाला बॉक्स छूट जाए दिक्कत नहीं है, राइट वाला नहीं छूटना चाहिए, समझ गए ना, हमेशा आप वंस प्लेस से लिखेंगे तो राइट वाला कभी छूटेगा भी नहीं, ओके, तो ये ध्यान रखना है बस। तो इसी तरह से और भी अगर नंबर हो तो आप उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं, और अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में, अभी मान लीजिए एक यहाँ पे मैं नंबर और जोड़ दूँ, इस प्लेस वैल्यू चार्ट में एक और नंबर मैं और फिल कर दूँ और आपसे बोलू कि नंबर क्या होगा उसका, जैसे 2, 9, 1, 6, 3, 1, तो अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, अब इसका आंसर अगर आपको देना कि नंबर कौन सा होगा तो आप इजीली लिख सकते हैं 1, 3, 6, 1, 9, 2, प्लेस वैल्यू चार्ट से नंबर लिखना तो और इजी है, तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, है ना, जो अभी हमने किया था वही करना है, इसके पहले के पहले
लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि हमें प्लेस वैल्यू सबका नहीं बताना है, सिर्फ अंडरलाइन डिजिट का बताना है, मतलब जिस डिजिट के नीचे एक अंडरलाइन लगा होगा उसी को प्लेस वैल्यू बताएंगे। एग्जाम्पल समझिए 510293। अब यहाँ पे 1 के नीचे अंडरलाइन हमें लगा दिया, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 1। अब आप 1 देखिए कौन से प्लेस पे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 प्लेस पे, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 × 10,000 मतलब 10,000। अगर कंफ्यूजन हो तो आप क्या कर सकते हैं, जो डिजिट है आपका उसके आगे आप देख लीजिए कितने डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स है, तो हमने 40 लगा दिया, यही हो गया हमारा, ठीक ना, बहुत सिंपल सिंपल है, तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा समय नहीं देते हैं, आगे क्वेश्चन समझते हैं। अब राइट द नंबर नेम्स फ्रॉम द गिवन प्लेस वैल्यू चार्ट, अभी जो मैं आपको बताया था उसी के बेस पे आ गया। सपोज कीजिए एक प्लेस वैल्यू चार्ट है, ठीक है, अब इसमें नंबर है कोई, ये एक नंबर है, अब हमें बताना है इसका नंबर नेम लिख देना है, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नंबर लिखेंगे कि नंबर कौन सा है ये, तो ये नंबर क्या हो गया, तो देखिए आप सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट को एज इट इज लिख देना है, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना, शुरू से अंत तक लिख देना है। उसके बाद जब नंबर नेम्स हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं इसको, कॉमा यूज करते हैं, है ना, कॉमा कब यूज करते हैं, तो वंस हंड्रेड्स के पहले एक बार यूज करेंगे और एक बार 10,000 के पहले यूज करेंगे, हो गया। अब इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इसका नेम लिख देंगे, जैसे 1 कौन से प्लेस पे है, लाख प्लेस पे है, तो इसको रीड करेंगे 1,00,000। अब ये 2, 3 कौन से प्लेस पे, 1000 प्लेस पे है, है ना, दोनों जो अपने ग्रुप में जितने डिजिट्स होंगे दोनों को एक साथ, या तीन होंगे तो तीनों को एक साथ रीड करना है, तो 2, 3, 23 होता है, तो 23 लिख देंगे। अब ये 23 है किसमें, थाउजेंड्स में है, तो थाउजेंड्स लिख देंगे। अब फिर ये 419 बच गया, तो 419 वंस में है, तो वंस में है, तो इस तीनों को एक साथ बस लिख देना, 419 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, 419। तो इसी तरह से बहुत इजी था, जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उससे सीधे हमने नंबर लिखा और नंबर को हमने नंबर नेम्स उसका फिर लिख दिया, दैट्स ऑल। अब एक है राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूमरल्स लिखना है, मतलब अगर नंबर नेम्स दिया हो तो उसका न्यूमरल्स लिख देना है, ये समझ लीजिए, है ना, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको। 4,15,000, 112, ठीक है, ये नंबर है। अब इसका हमको न्यूमरल लिखना है, मतलब नंबर नेम है, ऑलरेडी नेम इसका लिखा हुआ है, हमें बताना है कि इसको न्यूमरल में कैसे लिखेंगे। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पीरियड्स होता है हमेशा वंस, थाउजेंड्स, लाख्स, अभी तक फिलहाल हम लोग यही तीन पीरियड्स के बारे में जाने हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है एक लाख पीरियड, ठीक है ना, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे थाउजेंड्स भी दिख रहे हैं, और थाउजेंड के बाद जो होता है वंस में आ जाता है, यानी कि अभी सभी वंस में है। तो आप लाख्स में कितना है, 4 है, ठीक है ना, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, लाख, थाउजेंड, वंस। अब लाख्स में 2 डिजिट रहेगा, थाउजेंड्स में भी 2 डिजिट और वंस में 3 डिजिट, ये ध्यान रखना है। अब लाख में यहाँ 4 है, तो 4 को अगर 2 डिजिट में रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 04, राइट, अगर 4 को 2 डिजिट में लिखना तो 04 लिखेंगे, और थाउजेंड 15 है, तो 15 में तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स है, तो 15, और वंस में कितना है, 112, तो 112 आपको लिखना आता ही है, हो गया, यही आपका। अभी जो लेफ्ट में 0 है, अगर शुरू में आपको 0 मिल जाए तो उसको नहीं लिखना है,
बाकी सभी डिजिट्स को लिख देंगे, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप कहेंगे तो बहुत आसान था, एक और देते हैं, देखिए समझते हैं। इसी में आपको एक दूसरा देते हैं। अब यहां पे जैसे आपका 15,000 है, 1000 था 4 लाख, अब 109 था, 6 हो गया, मान लीजिए 6 लाख, 9,000 और 218, इसको अब आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लेसेस सब अलग अलग, लाख, थाउजेंड, हंड्रेड, है ना, तो आपने ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया। अब इसके नीचे भी लिख सकते हैं आप, दो दो प्लेस यहाँ पे बना दिए, दो प्लेस यहाँ बना दिए और तीन प्लेस यहाँ बना दिए। ठीक है, ये समझ गए तो फिर आपको कभी भी न्यूमरल्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लाख के पहले क्या है, सिक्स है, तो सिक्स सिंगल डिजिट है, तो दो डिजिट में लिखेंगे तो इसको 06 लिखना पड़ेगा। ओके, अब थाउजेंड्स में नाइन है, नाइन में नाइन भी सिंगल डिजिट का होता है, लेकिन हमें लिखना है टू डिजिट में, तो कैसे लिखेंगे, 09 लिखेंगे इसको भी। अगर यहाँ पे आप नाइन लिख देते हैं, जीरो आपका मिस हो जाता, और यही गलतियाँ होती भी हैं, है ना, अक्सर आप लोग यही गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, इसलिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। उसके बाद है 218, तो 218 तो आपको लिखना आता ही है, हो गया। अब ये वाला जीरो है, पहला है, इसको छोड़ दीजिए, मत लिखिए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, 609218। अक्सर मैंने देखा है कि क्या करते हैं, जीरो बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब वो क्या लिख देते हैं ऐसे 69218, जो कि आपका गलत हो जाता है। तो बस यही बात का ध्यान रखेंगे, आप आसानी से किसी भी नंबर नेम को आप आसानी से न्यूमरल में लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके बुक में कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, उसी बेस पे आप आसानी से उन्हें बना पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना आगे का एक टॉपिक जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इतना काफी है। तो इसके बाद का टॉपिक हमारा सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो आपको याद होगा फर्स्ट पार्ट जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें ही मैंने ऑलरेडी आप लोग को सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बारे में बताया था कि हम कैसे निकालते हैं। आई होप प्रेडिसेसर नहीं बट सक्सेसर के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार फिर से उसको मैं बता रहा हूँ, सक्सेसर होता है क्या है, पहले इसका हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर। ठीक है, सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर और प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर मतलब पहले का नंबर, नेक्स्ट नंबर मतलब बाद का नंबर। ठीक है, अब आप याद रखेंगे यहां पे कि जब भी सक्सेसर फाइंड करना हो तो हम लोग करेंगे प्लस वन। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे जब भी हम लोग को सक्सेसर फाइंड करना हो। ये आपको शॉर्ट में याद रखना, प्लस वन फाइंड करेंगे और इसमें क्या करेंगे आप लोग, आई मीन प्लस वन करेंगे और इसमें माइनस वन करेंगे, ये बात आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, जब भी आप सक्सेसर प्रेडिसेसर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपसे बोला गया फाइंड प्रेडिसेसर या फाइंड सक्सेसर, नंबर आपको दे देते हैं 121932। ठीक है, 6 डिजिट नंबर है, तो हमें करना क्या है, सक्सेसर फाइंड करना है ना, तो प्लस वन करना है, तो बस यही चीज थोड़ा हम लोग लिख के करना है। द सक्सेसर इज इक्वल टू, जो नंबर गिवेन है पहले उसको लिखेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस वन कर देना है। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने, अब प्लस वन कर दिया। वैसे आप बहुत इजी, आप प्लस वन बिना किए भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा नंबर्स होते हैं कि वहाँ पे गलती हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा प्लस वन कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, गलती कब होता है,
ये मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज कीजिए एक नंबर ले लेते हैं 21599। अब इसका सक्सेसर निकालना हो तो अक्सर मैंने देखा है कि आप ऐसे लिख देते हैं सक्सेसर इज इक्वल टू 21599 and 10, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है तो आपने 10 लिख दिया, तो ये हो गया आपका 6 डिजिट नंबर जो कि 5 डिजिट नंबर था, तो इसीलिए आपका ये गलती हो जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप प्लस करेंगे। अब देखिए हम लोग इसी को प्लस करके करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर 21599+1, तो 9+1 10 कैरी 1, फिर 9+1 10 कैरी 1+5 6 1 2। देखा आपने क्या आंसर आ गया, और यहाँ पे क्या आया था और यहाँ पे क्या आया था। तो इसीलिए आप हर बार प्लस वन करके ही अपना सक्सेसर फाइंड करेंगे, ठीक है ना, आपको कभी भी गलती नहीं होगा। सिमिलरली जब प्रेडिसेसर निकालना तो क्या करेंगे आप, जब प्रेडिसेसर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे वहां, ठीक है। अब इसका प्रेडिसेसर निकालना है ठीक है, माइनस वन कर लिए, प्रेडिसेसर आ गया हमारा, तो यही करेंगे आप, ठीक है ना। अब माइनस वन करना प्लस वन करना आप आसानी से कर लेंगे, इसीलिए हम लोग अब इसको इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। स्किप काउंटिंग, स्किप काउंटिंग मतलब कुछ जब हम नंबर छोड़ छोड़ कर लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने लिखता है, हमने नंबर लिखना शुरू किया 2 से, फिर लिखा हमने 5, फिर हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा 11, फिर हमने लिखा 40। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर लेकिन एक ही नंबर हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ये कहिए कि हम लोग ऐड कर रहे हैं एक नंबर को, है ना, हर बार तीन नंबर को छोड़ दे रहे हैं, यानी तीन ऐड कर रहे हैं, 2+3 5, 5+3 8, 8+3 11, 11+4 sorry 11+3 14, हर बार 3 प्लस कर दे रहे हैं हम लोग। तो जब इस तरह से हम लोग नंबर्स को लिखते हैं तो उसी को स्किप काउंटिंग कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये तो सिंपल सिंपल था, एक बड़ा नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज कीजिए 1, 5, 6, 7, 2, 5, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिख दिया 1, 5, 6, 7, 3, 0, 3, 5, ठीक है, इसी तरह और हम लिखते जा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का ये शुरू के 4 डिजिट सब में सेम ही है ना, केवल ये जो 2 डिजिट है यही चेंज हो रहा है, 25 से हो गया 30, 30 से हो गया 35, तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, 1, 5, 6, 7, 35 के बाद 40 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 5 प्लस करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये बहुत ही सिंपल था, और जितना आपको बोला जाए उतना प्लस करके बस लिखते जाना है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं, एक इसका थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, काउंटिंग बाय सेवेंस, काउंटिंग बाय सेवेंस राइट 5 नंबर्स आफ्टर 1, 2, 5, 1, 6, ठीक है, ये एक नंबर है 5 डिजिट नंबर, और इसके बाद हमें कितने नंबर्स लिखने हैं, 5 नंबर्स लिखने हैं, 5 नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो 5 नंबर्स कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए, हमको कुछ ऐड कर कर लिखना है। अब देखिए कितना ऐड करना है, तो 7s, यहाँ पे लिखा नहीं कि आपको ऐड करना है, बट काउंटिंग बाय 7s का मतलब हम ये समझेंगे कि हमें यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको ऐड करते हुए लिखना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक बिगिनिंग नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे है ना हमारा 1, 2, 5, 1, 6, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर हमें दिया रहेगा। अब हमें क्या करना है कि ये नंबर से 5 नंबर और लिखना है, तो पहले इस नंबर को लिखते हैं
और इसमें आप प्लस 7 कर लीजिए, आप चाहें तो रफ वर्क भी कर सकते हैं, प्लस 7 कर लेंगे तो हमारा क्या आ गया 12523। ठीक है, अभी दो नंबर हो गया, अभी भी और तीन लिखना है, फिर से प्लस 7 कर दीजिए। ठीक है ना, इसी तरह क्या करेंगे आप, फिर से प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 12537, फिर से प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा 12543। अब 5 नंबर्स हो गए तो ओवर, आंसर यही हो गया हमारा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब मान लीजिए अभी तो ये छोटा सा नंबर था 7, बड़ा नंबर भी हो सकता है, जैसे इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। इस बार 7 की जगह हम लोग कोई दूसरा नंबर लेते हैं, तो काउंटिंग बाय 300। ठीक है ना, 300 काउंटिंग करके हमें 5 नंबर से लिखना है आफ्टर 412316। ठीक है, सब लगभग वही है, केवल यहाँ पे काउंटिंग का नंबर बदल गया है और वो नंबर बदल गया है। तो हम क्या जाने थे कि हम लोग सबसे पहले जो नंबर गिवेन है वो लिख लेंगे 412316। अब इसके बाद क्या करना है, इस नंबर में हमें 300 काउंटिंग करना, तो 300 प्लस कर देंगे। तो रफ का रफ में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, 300 लिखा है तो 300 प्लस करेंगे। अब प्लस करना तो आपको आता है, तो 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 3 6, 2 1 4। फिर आप 300 प्लस करेंगे तो इस बार हो जाएगा आपका 412916। है ना, मैंने मन में ऐड कर लिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप रफ में जरूर ऐड करेंगे, ऐड करके ही लिखेंगे। फिर 300 जब ऐड करेंगे तो जाएगा 413216। फिर आप ऐड करेंगे 413516। तो इस तरह से आपके 5 नंबर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको जो हमने सीखा। एक बार आपको मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि क्या क्या हमने सीखा। तो हमने सबसे पहले तो जो वन पार्ट में पढ़ा था उसको एक बार हमने समझा, उसके बाद हमने सीखा कि कैसे हम लोग अबेकस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर सक्सेसर और प्रेडिसेसर को सीखा, और उसके बाद स्किप काउंटिंग, ये एक टॉपिक यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है बट स्किप काउंटिंग उसी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी हमने सीखा है सेकंड में, और कुछ प्रैक्टिस किया हमने। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन करना। ठीक है, कंपैरिजन और एक ये छोटा सा टॉपिक, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे उसी में कवर कर लेने के लिए। ठीक है ना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले अगले पार्ट में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।